देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त क्राइम कैपिटल बनी हुई है। बीते दिनों दिल्ली में हुई कई खौफनाक वारदातों ने दिल दहला दिया है। कहीं किसी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई तो किसी को सरेआम गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, जेल में भी कैदी को मौत के घाट उतार दिया गया और एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। वैसे तो राजधानी दिल्ली में हर दिन कहीं ना कहीं लूटपाट की वारदात सामने आती रहती है। बदमाश बेखौफ होकर हत्या, चेन स्नैचिंग जैसी वारदात को बड़े ही आसानी से अंजाम देते रहते हैं। अब दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में दिन दहाड़े एक ऐसी ही लूटपाट की वारदात सामने आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है बदमाशों ने किस तरह दिन दहाड़े पैसों से भरा बैग लूट लिया। साजन कुमार और जिगर पटेल दोनों ने लाल किले से एक ओला कैब बुक की थी। जब वो रिंग रोड पर गुरुग्राम की ओर जाने वाली प्रगति मैदान टनल के भीतर गए तो दो मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर कैब रोकी और बैग लूट लिया। बैग में तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए थे। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों की माने तो पिछले साल के मुकाबले 15% क्राइम बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि दिल्ली के अलग अलग जिलों में कुल 21 गैंग एक्टिव हैं। साल 2021 में इन गैंग के कुल 7 खूंखार अपराधियों को मार गिराया गया था। दिल्ली में पिछले साल की तुलना में क्राइम बढ़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 के मुकाबले 2021 में 15% अपराध में बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 में कुल 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जबकि साल 2021 में संख्या बढ़कर और ज्यादा हो गई है। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ 2020 में जहाँ डकैती के महज 9 मामले दर्ज हुए थे तो 2021 में मामले 24 हो गए। 2020 में हत्या जैसे संगीन अपराध के मामले 447 दर्ज हुए थे, 2021 में कम होकर 435 रह गए। हत्या की कोशिश के मामले साल 2000 में 550 दर्ज हुए थे, 2021 में मामले अचानक बढ़ गए। 2021 में हत्या की कोशिश के मामले 729 दर्ज हुए। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा। महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में साल 2021 में साल 2020 के मुकाबले बढ़ोतरी हुई। साल 2021 में जहां महिलाओं के खिलाफ कुल 1900 से ज्यादा मामले दर्ज हुए तो वहीं 2020 में संख्या 1618 थी। छीना जब्ती की 7000 से ज्यादा FIR साल 2020 में दर्ज हुई, 2021 में संख्या करीब 8800 हो गई। मोटर वाहन चोरी के 2021 में करीब 36000 मामले दर्ज हुए। साइबर क्राइम भी बढ़ा है। साइबर क्राइम नेशनल सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 1,15,213 कॉल रिसीव किए, जिनमें से 24,219 कॉल फाइनेंशियल फ्रॉड के थे। इसमें पुलिस ने 4.31 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके अलावा कोरोना की दूसरी वेव में जब लोग दिक्कत में थे उस समय साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। यानी ये कहा जा सकता है कि 2021, 2022 और अब 2023 में जो दिल्ली है वो क्राइम कैपिटल बनती जा रही है।